Good morning, my dear students. Myself, Miss Chelsea, and today we are going to study subject Mathematics 4th Standard 3rd. तो बच्चों, जैसे कि मैंने आप सबको कहा था, सिमेट्री इस लेसन का मैंने दो पार्ट्स में डिवीजन किया है. फर्स्ट पार्ट मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ और जो दूसरा पार्ट है वो है पेज नंबर 46 पर. वो पार्ट मैं आपको आज इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ. ओके स्टूडेंट्स, यस. तो हमारा सिमेट्री यह लेसन चल रहा है, तो बच्चों चलिए सिमेट्री इस लेसन का सेकेंड पार्ट देखते हैं. तो बच्चों, लेसन स्टार्ट करने से पहले, दिस इज द थर्ड बुक, कंबाइंड बुक नंबर 3rd वी आर यूजिंग फॉर सब्जेक्ट मैथ्स as well as other subjects, right students? Yes. So now let us write subject, lesson's name and standard on a blackboard. Subject is maths, lesson's name. बच्चों, हमारा कौन सा lesson चल रहा है? Symmetry, right? So we will write symmetry. तो बच्चों, आप सब कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं? You all are studying in third standard, right? So we will write here standard 3rd. Okay students? Standard 3rd. ओके तो बच्चों, चलिए लेसन से शुरुआत करते हैं. तो बच्चों, सेकेंड पार्ट सिमेट्री का शुरू करने से पहले हम फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़े थे वो अब रिवीजन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, यस. सो स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिमेट्री? यस, let me show you one example. Okay students, to bachcho, jaise ki aap blackboard par dekh rahe ho, this is a figure. Okay, agar mujhe is figure ko do parts mein divide karna hai to main kaise karungi? Yes, I will start cutting from this, from the top, right? तो बच्चों, अब हमारे दो equal equal parts हुए, बराबर. This side is equal to this side. तो बच्चों, this is an example of symmetry. Okay? So this object or this figure is an example of symmetry, and this line is known as line of symmetry. Understood? Yes. Symmetry यानी समानता. तो देखिए, ये दोनों parts equal है. जब मैंने इस object को middle से cut किया तो दोनों side में से जो shape है वो equal निकले, तो हम इसे कहेंगे symmetry. Understood? Let me give you one more example of non-symmetrical object or figure. Okay? तो बच्चों, जैसे कि आप blackboard पर देख ही रहे हो, this is our second example. Okay? Can you tell me which is this number? Number 9. Very good. Now tell me, can we divide this number 9 into equal parts? No, right? If we divide in this, is side ka alag aayega aur is side ka alag aayega, then this is not a symmetrical object or thing. Okay? So this is symmetrical, this is non-symmetrical. Understood? Now let us see one more example of symmetrical
object. Okay? तो बच्चों अब आपको ब्लैकबोर्ड पर कौन सा अल्फाबेट नजर आ रहा है? H, राइट? दिस इज अल्फाबेट H. अब आप मुझे बताओ, कैन वी डिवाइड दिस अल्फाबेट H इन टू इक्वल पार्ट्स? यस, वी कैन डिवाइड, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर. तो हमें दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे. अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो यहां से भी हमें दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, बराबर. सो दैट वी कैन से दैट दिस इज सिमेट्रिकल, दिस इज सिमेट्रिकल एंड दिस इज नॉन सिमेट्रिकल. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो बच्चों अभी तक हमने पेज नंबर 45 पर जितना भी है वो देखा, और मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था पेज नंबर 45. नाउ लेट अस सी व्हाट इज ऑन पेज नंबर 46. ओके, सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज ऑन पेज नंबर 46. सो स्टूडेंट्स कृपया करके पेज नंबर 46 खोलिए. यस स्टूडेंट्स, खोलिए. स्टूडेंट्स now let us solve our second question. Let me read out the second question for you. Okay, the following figures are symmetrical. Draw a line with respect to which they are symmetrical. Okay, to bachcho page number 46 par hame kuch figures diye hue hai, lekin wo sab figures symmetrical hai. Abhi hame ऐसे लाइंस ड्रॉ करने हैं उस फिगर पर जिसे कि हमें पता चलेगा वो दो पार्ट्स में इक्वल इक्वल डिवाइड हुए हैं. ओके, तो चलिए मैं आपको फर्स्ट सम सॉल्व करके बताती हूं. ओके, प्लीज पे अटेंशन ऑन योर ब्लैक बोर्ड. सो स्टूडेंट्स दिस इज आ फर्स्ट फिगर. As you can see on the blackboard, अभी हमें इस फिगर को इस फिगर पर ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है जिससे कि हमें पता चलेगा यह फिगर सिमेट्रिकल है. ओके, तो चलिए आप मुझे बताओ हम कौन कौन सी लाइन और किस प्रकार से लाइन इस फिगर पर ड्रॉ कर सकते हैं. यस, कौन मुझे बताएगा? वेरी गुड, हम यहां से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऊपर से. ओके, जैसे कि हमें इस साइड और इस साइड का जो भी पार्ट है वो इक्वल मिलेगा. सेकेंड इज हम यहां से भी इक्वल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जैसे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ पार्ट हमें इक्वल मिलेगा. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यस, तो चलिए दूसरे फिगर की तरफ बढ़ते हैं. तो बच्चों क्या मुझे बता सकते हो इस फिगर पर हम अब किस प्रकार से लाइन ड्रॉ करेंगे? बताओ बताओ, who will tell me? Very good students, हम यहां से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और हम यहां से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसे कि हमें इक्वल पार्ट्स बिटवीन मिलेंगे. ओके स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द थर्ड सम. ओके, द थर्ड फिगर. बच्चों अब मुझे आप बताओगे इस फिगर को हम कैसे डिवाइड करेंगे? यस, हु विल
tell me how we are going to draw a line on this figure such that it gets divided into two equal parts and it will be called as symmetrical figure. Now, who will tell me हम कैसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? वेरी गुड स्टूडेंट्स, हम स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बराबर, जिससे कि हमें दो अलग अलग इक्वल पार्ट्स मिलेंगे. दिस इज वन पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट. सो दिस फिगर विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज सिमेट्रिकल फिगर. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व. सो स्टूडेंट्स, फोर्थ वन आप अपने आप सॉल्व करिए. ओके, मैं आपको फिफ्थ सम कैसे सॉल्व करते हैं वो दिखाती हूं. ओके, as you can see on the blackboard, this is our fifth figure. Okay? अब मुझे आप बताओ हम किस तरह से इस फिगर पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिससे कि हमें इस फिगर के इक्वल पार्ट्स मिलेंगे. तो कौन मुझे बताएगा हम किस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? Yes? Who will tell me? Very good students, we can draw line in this format also such that we get two equal parts. Also we can draw line in this format too. Okay, also in this format we get two equal parts. Okay students, yes. So students, now we saw question number 2. Okay, Now we will see question number 3. तो बच्चों चलिए question number 3 की तरफ बढ़ते हैं. तो बच्चों अब मैं आपको question number 3 पढ़ा के बताती हूं. ओके, डिटरमाइन whether द फिगर्स गिवन बिलो आर सिमेट्रिकल अबाउट एनी लाइन और नॉट. पुट अ टिक बिलो द फिगर इफ इट इज सिमेट्रिकल and across if it is not symmetrical. Okay? तो बच्चों अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए गए हैं, अगर वो सिमेट्रिकल है तो हमें टिक मार्क करना है, अगर वो फिगर नॉन सिमेट्रिकल है यानी कि हम उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते तो वो फिगर को हमें क्रॉस करना है. ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो हमें यहाँ एक फिगर दिया गया है, मैं आपको ब्लैकबोर्ड पर समझाती हूँ एग्जैक्टली हमें क्या करना है. ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज आर फर्स्ट फिगर. ओके, और हमें बताना है कि यह फिगर सिमेट्रिकल है या नहीं. अगर यह फिगर सिमेट्रिकल है तो हमें टिक मार्क करना है, लेकिन अगर यह फिगर नॉन सिमेट्रिकल हुआ तो हमें क्रॉस मार्क करना है. ओके, तो चलिए देखते हैं क्या यह फिगर सिमेट्रिकल है. बच्चों बताओ बताओ. वेरी गुड, दिस फिगर इज सिमेट्रिकल, राइट? अब मुझे बताओ इस फिगर पर हम कैसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? इन स्टैंडिंग फॉर्म, इन स्लिपिंग फॉर्म टू. ओके, सी, यस स्टूडेंट्स, आई हैव डिवाइडेड दिस फिगर इन टू इक्वल पार्ट्स. ओके, ऑल्सो वी कैन डिवाइड दिस फिगर इन
स्लिपिंग लाइन। ओके, तो देखिए हमें चार इक्वल पार्ट्स मिल गए, तो हम यहां लिखेंगे, हम इस बॉक्स में लिखेंगे टिक मार्क। ओके, बिकॉज दिस फिगर इज सिमेट्रिकल। ओके, नाउ लेट अस सी द सेकेंड सम। ओके, तो बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हो ब्लैक बोर्ड पर आपको कौन सा नंबर नजर आ रहा है? नंबर टू, राइट? सो कैन यू टेल मी, कैन वी डिवाइड दिस नंबर टू इन टू इक्वल डिफरेंट पार्ट्स? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इफ वी डिवाइड दिस नंबर टू इन डिवाइड इन टू डिफरेंट पार्ट्स, वन पार्ट इज डिफरेंट एंड वन पार्ट इज डिफरेंट। सो द सेकेंड क्वेश्चन, द नंबर टू इज नॉन सिमेट्रिकल, और नॉन सिमेट्रिकल को हम क्रॉस मार्क करेंगे। ओके, अंडरस्टूड बच्चों? दिस इज सिमेट्रिकल, दिस इज नॉन सिमेट्रिकल। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर थर्ड क्वेश्चन, विच इज बटरफ्लाई। बटरफ्लाई यानी, स्टूडेंट्स यू ऑल लव बटरफ्लाई, राइट? यू ऑल लव बटरफ्लाई टू वॉच इन गार्डन्स। बटरफ्लाई यानी तितली, बराबर? तो चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन एंड दैट इज बटरफ्लाई। तो बच्चों अब मुझे आप बताओ, कैन वी डिवाइड दिस बटरफ्लाई इन टू इक्वल पार्ट्स, और कैन वी डिवाइड, मतलब क्या हम इस बटरफ्लाई को अलग अलग पार्ट्स में, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? यस, वी कैन डिवाइड। सी, वी कैन डिवाइड फ्रॉम अप। ओके, ऑल्सो नो, वी कैन डिवाइड इन दिस पार्ट ओनली। ओके स्टूडेंट्स, यस, दिस मीन्स दिस बटरफ्लाई इज सिमेट्रिकल। ओके, एंड वी विल मार्क इट एज अ टिक मार्क। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आई एम गिविंग यू ऑल टू सॉल्व ऑन योर ओन। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर में हमें क्या कहा गया है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बिलो, ड्रॉ लाइन अलोंग विच यू वुड फोल्ड द फिगर्स टू शो दैट इट इज सिमेट्रिकल। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर में हमें कुछ फिगर्स दे गए हैं, हमें उन फिगर्स पर ऐसे लाइंस ड्रॉ करने हैं जिससे कि हम पता चलेगा कि वो फिगर सिमेट्रिकल है, बराबर? तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख ही सकते हैं, दिस इज अ लीफ, लीफ यानी पत्ता, बराबर? अब मुझे आप बताओ, हम इस लीफ पर कैसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिससे कि हमें पता चलेगा ये फिगर सिमेट्रिकल है। ओके, यस स्टूडेंट्स, वी कैन फोल्ड दिस लीफ फ्रॉम दिस पार्ट, बराबर?
अगर हम इस लीफ को फोल्ड करते हैं तो वो ऐसा दिखेगा, बराबर। एंड दिस फिगर इज सेड टू बी एस सिमेट्रिकल फिगर, अंडरस्टूड? यस। तो चलिए लास्ट देखते हैं, दिस इज आर नंबर 8। अब मुझे बताओ हम इस 8 नंबर को कैसे फोल्ड करेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा दिस नंबर 8 इज सिमेट्रिकल फिगर। सो कैन यू टेल मी हम इस नंबर 8 को कैसे फोल्ड करेंगे? यस, वी कैन फोल्ड नंबर फ्रॉम दिस साइड, ओके। ऑल्सो वी कैन फोल्ड द नंबर फ्रॉम दिस साइड टू, सो दैट इट गिव्स अस टू इक्वल पार्ट्स, अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 पर दिया है, आपको जस्ट बताना है कि वो फिगर क्लोज है या नहीं। तो बच्चों, द क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर डी दिया है, अगर वो फिगर क्लोज हुआ तो हमें सी लिखना है, अगर वो फिगर ओपन हुआ तो हमें ओ लिखना है। तो पहला फिगर ओपन है इसलिए हम ओ लिखेंगे, और सेकंड फिगर जो कि है डी वो है क्लोज तो हम लिखेंगे सी, ओके। तो बच्चों ऐसे करके आपको और भी सॉल्व करने हैं, ओके स्टूडेंट्स? यस। सो स्टूडेंट्स, फॉर योर होमवर्क यू ऑल हैव टू कंप्लीट पेज नंबर 46 फ्रॉम योर कंबाइंड बुक नंबर 3, ओके स्टूडेंट्स? बाय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू।